हम ये जान लेते हैं कि ये चीजें क्या क्या जो है जो पिक्चर में हमें अभी दिख रही है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ये हमारा जो सिस्टम है इसको हम फर्नेस कहते हैं। ये फर्नेस है, ठीक है, फर्नेस या बॉयलर है ये हमारा। ये इसके चारों कॉर्नर है। हमारे पास में 7 या 8 मील होती है, जो पावर प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास यहाँ पे 7 मील है, ठीक है। और ये जो 7 मील है, तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग एलिवेशन पे अलग अलग मील होती है। तो मील ए का मतलब ए एलिवेशन की मील की हम बात कर रहे हैं। तो ए एलिवेशन की मील है ये, इसमें 4 पाइप्स आ रहे हैं हमारी मिल से हमारी फर्नेस तक। हमारे बॉयलर में जो हमारा ए एलिवेशन है उस पर हमारे 4 पाइप्स आ रहे हैं फ्यूल के या कोल के, जो कि मिल से आ रहे हैं आफ्टर पल्वराइजेशन। ओके, तो ये जो पल्वराइज्ड कोल है, ये 4 पाइप्स आ रहे हैं, ये हमारे उस जो ये जो हमारा ए एलिवेशन है उस पर चारों कॉर्नर पर ये 4 पाइप्स जाएंगे। जैसे अगर ये रूम है, ये हमारी फर्नेस है, तो एक इस कॉर्नर पर, एक इस कॉर्नर पर, एक इस पर और एक इस पर 4 पाइप आएंगे। जो कहाँ से आएंगे? जो हमारे पल्वराइजर से आएंगे, ठीक है। तो इसके ये गेट लगे हुए हैं यहाँ पे, इन जो फर्नेस इनलेट गेट बोल सकते हैं, ठीक है, या मिल आउटलेट गेट इनको बोल सकते हैं। और ये तो हो गया हमारा फर्नेस और फ्यूल पाइप्स, ठीक है। ये है हमारी ये हमारी मेन मोटर, जो मेन जो मिल है, जो हमारा पल्वराइजर है उसकी मोटर, ठीक है। ये यहाँ पर जो शो हो रहा है 35%, ये है क्लासिफायर। क्लासिफायर का काम होता है कि कुछ अगर हेवी पार्टिकल्स अगर आ जाते हैं फाइन कोल के साथ में, तो उनको अलग करना, ठीक है। ये जो सिस्टम है इसको बोलेंगे हम हमारा फीडर, ठीक है। ये फीडर इनलेट गेट है, ये फीडर आउटलेट गेट है, ये बंकर आउटलेट गेट है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा एयर सिस्टम है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 सील एयर फैन प्रेजेंट है। एट ए टाइम एक चलता है, दूसरा स्टैंड बाई पे रहेगा, ठीक है। और हमारे पास में जो प्राइमरी एयर है उसके 2 हेडर हैं, एक कोल्ड कोल्ड ये हॉट एयर हेडर है, ये कोल्ड एयर हेडर है। यहाँ पे इसके गेट लगे हुए हैं, ये कोल्ड एयर का गेट है, ये हॉट एयर का गेट है, ठीक है। ये हमारी वेंचुरी है जो कोल्ड एयर को और हॉट एयर को मिक्स करती है, ठीक है। ये हमारा डेम्पर है जो कि एयर के फ्लो को क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, हॉट एयर का और कोल्ड एयर का, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा टेम्परेचर शो हो रहा है कि कितने डिग्री की एयर हम इसमें हमारे पल्वराइजर में हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सिस्टम कि हमारा क्या सिस्टम है और कैसे कैसे ये एयर का क्या सिस्टम है या बंकर का क्या सिस्टम है। अब आ जाते हैं इसके स्टार्टिंग के प्रोसीजर पर कि इसको अगर हमको मिल को सर्विस में लेना है तो हम उसके लिए हमें क्या क्या करना है। तो जो सबसे पहली चीज हम देखेंगे वो है कि मिल को सर्विस में लेते ही क्या क्या इफेक्ट आएंगे बॉयलर पे। तो जैसे आप मिल को सर्विस में लोगे तो बॉयलर के अंदर जो पहला इफेक्ट वो ये आएगा कि जो आपकी जो फ्लू गैसेज है उसके टेम्परेचर अचानक से बहुत हाई चले जाएंगे। और जो फ्लू गैसेज है वो कहाँ कहाँ से पास हो रही है, वो सबसे पहले तो आपके सुपर हीटर्स में जाती है, उसके बाद में री हीटर्स में जाती है, उसके बाद में इकोनोमाइजर और एयर प्रीहीटर में जाती है। तो जो हमारा सुपर हीटर है वो तो ऑलरेडी चार्ज रहता है, लेकिन री हीटर तभी चार्ज होगा जब आपके बाईपास चार्ज होंगे, क्योंकि री हीटर के अंदर जो स्टीम आती है वो सीआरएच से आती है और वो एचआरएच बनकर वापस टर्बाइन में जाती है, ठीक है। तो आपको मिल लेने से पहले ये इंश्योर करना है कि आपके बाईपास चार्ज होने चाहिए, नहीं तो आपका जो बॉयलर है वो री हीटर प्रोटेक्शन पे ट्रिप कर जाएगा। हालांकि ये परमिसिव नहीं है, मिल आ जाएगी लेकिन उसके कुछ देर बाद में री हीटर प्रोटेक्शन पे आपकी पूरी जो बॉयलर है वो ट्रिप हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद में सेकंड चीज जो आपको इंश्योर करनी है वो ये है कि आपके पास में प्राइमरी एयर का हेडर होना चाहिए। जो प्राइमरी एयर फैन हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने प्राइमरी एयर फैन को सर्विस में लिया था, तो हमारे पास में प्राइमरी एयर फैन है वो सर्विस में होना चाहिए और हमारे पास में यहाँ पे एडिक्वेट फ्लो होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में आप क्या करेंगे कि ये जो हॉट एयर गेट और कोल्ड एयर गेट है ये दोनों प्राइमरी एयर के ही हेडर हैं जो पीए फैन से आ रहे हैं, तो इनको आप ओपन कर लेंगे। इसके बाद में जो तीसरी चीज है वो आप जो देखोगे वो ये है कि जो क्योंकि हमारी जो मिल है उसके अंदर कोल को हम ग्राइंड कर रहे हैं, ठीक है, और उसको इतना फाइन कर रहे हैं कि वो हो सकता है कि अगर उसकी सीलिंग ना की जाए तो वो कोल अपना मिल सिस्टम से बाहर आ जाएगा। तो उसके लिए हम इसकी करेंगे हमारी मिल की सीलिंग, ठीक है। उसके लिए हमारे पास में दो फैन है, सीलर फैन वन एंड सीलर फैन टू, ओके। तो ये सीलिंग कर देंगे। इसके बाद में जो तीसरी चीज है, क्योंकि हमारा जो फीडर है, फीडर के यहाँ भी हमारे पास में जो हमारा कोल सिस्टम है वहां पे एक बेल्ट चलती है, तो उसके लिए फीडर की सीलिंग भी जरूरी है। और फीडर की सीलिंग हम करते हैं डायरेक्टली जो हमारा कोल्ड एयर जो हेडर है, प्राइमरी कोल्ड एयर हेडर है, उससे हम सीलिंग करेंगे। यहाँ पे लोकल पे जो एक वाल लगा हुआ है इसको ओपन करा देंगे और ये इसकी सीलिंग हो जाएगी। अब जब जहाँ हमारा सीलिंग हो गई है पूरी अच्छे से, इसके बाद में हमारे को क्या करना है, इसके बाद में हमारे को ये ओपन करने हैं जो हमारे फ्यूल पाइप की गेट है जो कि फर्नेस पर जा रहे हैं, जो हमारे मिल के एलिवेशन पे जा रहे हैं चारों कॉर्नर पे, तो ये हमने इनको ओपन कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम इसको कोल्ड एयर जो डैम्पर है इसको ओपन करेंगे और हम यहाँ पर लगभग 40 TPH के लगभग हम इसको एयर देंगे। और ये एयर किस लिए देंगे, ताकि मिल के अंदर कोई भी किसी भी तरह से, अगर मान लो पहले मिल ट्रिप हुई है उस टाइम का अगर कोई कोल बचा हुआ है तो वो हमारा जो इस एयर के साथ में फर्नेस में चला जाए, और इसको हम बोलते हैं पर्जिंग ऑफ मिल, ठीक है। अब जब मिल की पर्जिंग होगी उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने ये जो बंकर गेट है ये हमने पहले ही खोल रखे हैं, इसके बाद में जो हमारा जो काम बचता है वो है इस मिल को कमांड देना, मेन मोटर को, ठीक है। आपने इस मेन मोटर को कमांड दी, उसके बाद में क्या करना है, आप जैसे इस मिल को कमांड दोगे तो यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर है, तो यहाँ पे ये जो हॉट एयर आ रही है और ये कोल्ड एयर आ रही है, ये इस वेंचुरी में मिक्स हो रही है, और इसको आप मिक्स करके आपको इसको 60 डिग्री के प्लस में टेम्परेचर रखना है, 60 डिग्री टू 90 डिग्री, ओके। और वो अपन क्यों रखेंगे, वो हम इसलिए रखेंगे कि हमारे को जो कोल आ रहा है उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए, और उसके लिए हम ये टेम्परेचर उसको देंगे ताकि उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो हट जाए, ठीक है। इसके बाद हम मोटर को, मेन मोटर को कमांड दी हमने, और मेन मोटर को कमांड देने के बाद में हमने यहाँ पे जो हमारा पल्वराइजर है उसको भी स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद में हमने फीडर का आउटलेट गेट ओपन किया, ठीक है। और उसके बाद में जो लास्ट काम बचेगा वो है हमारा जो फीडर मोटर है उसको कमांड देना और फीडिंग चालू करना। तो ये हो गया हमारा जो कोल मिल का स्टार्टअप प्रोसीजर। तो इसको एक बार थ्योरेटिकली और समझ लेते हैं हम। तो हम पढ़ रहे हैं सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट का लाइटअप प्रोसीजर, और आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू स्टार्ट पल्वराइजर और कोल मिल, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द मिल वी नीड टू इंश्योर फॉलोइंग पॉइंट्स, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट इज PFN इज इन सर्विस, PFN should be in service. आपको ये देखना है कि PFN सर्विस में है कि नहीं, क्योंकि बिना PFN आपकी जो प्राइमरी एयर आ रही है जो पोल को मिल से लिफ्ट करके फर्नेस तक लेके जाएगी वो अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में वो टर्बाइन बाईपास शुड बी इन चार्ज कंडीशन, टर्बाइन बाईपास चार्ज होने चाहिए। ये होते हैं रीहीटर प्रोटेक्शन के लिए, रीहीटर में फ्लो देने के लिए, रीहीटर में स्टीम का फ्लो देने के लिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है थ्री और मोर गन शुड बी इन सर्विस फॉर फ्लेम सपोर्ट
एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ मिल। आप जिस एलिवेशन पे मिल ले रहे हैं उसके जस्ट अपर गन एलिवेशन और या उसके जस्ट लोअर गन एलिवेशन पे आपके तीन या तीन से ज्यादा, कहने का मतलब चार मिल, वो चार गन प्रेजेंट होनी चाहिए। या हो सकता है कि अगर आपने पहले से मिल ले रखी हो तो वो मिल आपकी 50% प्लस फीडिंग रेट से मिल अवेलेबल हो। ठीक है, या तो आपकी गन होनी चाहिए या उसके जस्ट नीचे वाले अपर एलिवेशन पर 50% से ज्यादा की आपकी कोई मिल अवेलेबल हो फीडिंग की। ठीक है, और उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा बंकर लेवल शुड बी एडेक्वेट। ओके, ये तो हो गया कि जो आपको मिल लेने से पहले जो चीजें इंश्योर करनी है। अब मिल को सर्विस में कैसे लेते हैं? सॉरी, तो ये आगे कि हमारे स्टेप्स टू टेक मिल इन सर्विस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू पर्जिंग ऑफ मिल। ठीक है, पर्जिंग कैसे करते हैं मिल की? पर्जिंग करने के लिए आपको जो फ्यूल के जो फर्नेस के इनलेट पे जो गेट लगे हैं फ्यूल पाइप के, वो आप ओपन कर दोगे और उनको ओपन जो ऑल फोर पाइप्स हैं, चारों पाइप्स के आप ओपन कर दोगे। उसके बाद में आपको ओपन कोल्ड एयर डैम्पर एंड गेट एंड गिव मोर देन 40 टीपीएच फॉर 5 to 7 मिनट। आपको ये पर्जिंग करनी है। इसमें आपको करना है जो हमारा प्राइमरी एयर फैन से कोल्ड एयर हेडर आ रहा है उससे आप लगभग 40 टीपीएच की एयर आप मिल के अंदर दोगे, जो कि जो बचा हुआ कोल है उसमें पिछली ट्रिपिंग का वो पूरा कोल लिफ्ट करके वो फर्नेस तक ले जाएगी और आपका जो मिल सिस्टम है उसमें कोई भी अननेसेसरी कोल नहीं रहेगा। और अगर अगर ये हम पर्जिंग नहीं करेंगे तो हम जैसे ही मिल को कमांड देंगे, मिल मैन मोटर को कमांड देंगे, तो वो स्टॉलिंग पे ट्रिप कर जाएगी। ठीक है, और क्योंकि हैवी वेट के वजह से, कोल के वेट की वजह से। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है वो करेंगे हमारा सीलिंग ऑफ मिल एंड फीडर। सीलिंग कैसे करते हैं? जो हमारी मिल की जो मेन मिल है उसकी सीलिंग करने के लिए हमारे पास में दो सील एयर फैन अवेलेबल है, तो हम उसको टर्न ऑन कर देंगे, टर्न ऑन द सील एयर फैन, और उसमें कोई अगर लोकल वाल्व है तो वो ओपन करवा देंगे, जिससे हमारी मिल की एयर सीलिंग हो जाएगी और उससे जो हमारा पलराइज कोल है वो बाहर नहीं आएगा। उसके बाद में फीडर सीलिंग इज डन बाय कोल्ड एयर पीएड। उसके बाद में हमें जो फीडर है हमारा, फीडर सिस्टम की भी हम सीलिंग करते हैं, क्योंकि उसमें भी क्या होता है कि जो बंकर से कोल गिरता है तो उसकी वजह से वो कोल वहां फैलता है और वो बाहर नहीं आए। इसके लिए हम जो हमारा प्राइमरी एयर हेडर है उससे हम डायरेक्ट इसकी सीलिंग कर देते हैं, लोकल ऑपरेटेड वाल्व रहते हैं उनको ओपन करवा के। जो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है या पॉइंट है वो है ओपन बंकर आउटलेट गेट। बंकर के अंदर हमारा कोल स्टोर रहता है, उसका आप आउटलेट गेट ओपन करोगे। उसके बाद में ओपन फीडर इनलेट गेट। उसके बाद में जो फीडर के इनलेट के लिए जो आपका गेट है वो आप ओपन करोगे। उसके बाद में जो हमारी मेन मोटर है मिल की उसको टर्न ऑन करोगे। उसके बाद में ओपन फीडर आउटलेट गेट एंड आफ्टर दैट वी विल टर्न ऑन द क्लासिफायर एंड टर्न ऑन द फीडर मोटर। ये हमारा हो गया सिस्टम कि हमारा जो स्टेप्स हैं हमें क्या क्या करने हैं। लेकिन इनके बीच में आपको एक चीज इंश्योर करनी है कि जब आप ये फीडर के आउटलेट गेट ओपन करोगे तो आप ये भी देखोगे कि हमारी जो कोल्ड एयर प्लस कोल्ड प्लस हॉट एयर जो पी एयर आ रही है उसका हमें जो मिल पे जो टेम्परेचर जा रहा है, टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लेस देन 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये आपको कहाँ से ध्यान में रखना है? ये आपको जो हमारा जो वेंचुरी है जो मिक्स कर रही है, यहाँ पे हमारा एक सिस्टम लगा रहता है, एक वेंचुरी सिस्टम लगा रहता है जो हमारा जो हॉट हेडर है, जो हॉट पीए हेडर है,
होट पीए से जो आ रही है, होट पीए को यहाँ पे कोल्ड, जो कोल्ड पीए से मिक्स करता है और यहाँ पे मिल को ये प्रोवाइड करता है प्राइमरी एयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा मिल का सिस्टम। और जो ये जो टेम्परेचर देते हैं, इसका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि आपका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम पल्वराइज्ड कोल। तो आपका जो पल्वराइज्ड कोल है उससे जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको हटाने के लिए हम ये टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये था हमारा मिल का सिस्टम। मिल कैसे लेते हैं, मिल का क्या काम होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे हमारा ये सीरीज जारी रहेगी और आपको अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर कीजिए।